क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन के मैदान में टेस्ट मैच चल रहा है और ये टेस्ट मैच पिछले साल हुई सीरीज का पांचवां टेस्ट है। इसी टेस्ट से सीरीज का नतीजा भी तय होना है और अंग्रेजों को पूरी उम्मीद थी, या कहें कि अंग्रेज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि वो भारत को हराएंगे नहीं बल्कि कुचल देंगे और सीरीज को बराबर कर देंगे। लेकिन एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन मैदान में दिखा द ऋषभ पंत शो। पंत ने घमंडी अंग्रेजों की बोलती बंद कर दी, उनका घमंड चूर चूर कर दिया और बुरी तरह से धो दिया। T20 के अंदाज में बैटिंग करते हुए ताबड़तोड़ शतक ठोक दिया। हालात ये थे कि अंग्रेज बॉलर रोने लगे, कप्तान बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हो गए, उनकी हालत बिगड़ गई और पंत ने पहला दिन खत्म होते होते भारत को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया और खुद धोनी के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको कैसी रही पंत की पारी, कैसे अंग्रेज रोने लगे और क्या क्या हुआ मैदान में, कैसे टूटे रिकॉर्ड। आप भी पंत की इस धाकड़ पारी पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो एजबेस्टन टेस्ट जैसे ही शुरू हुआ तो वही हुआ जिसका अंदाजा सभी को था। बारिश से प्रभावित मैच में भारत का पहला विकेट जल्दी गिरा, फिर दूसरा भी गिरा और तीसरा, चौथा, पांचवां। 100 रन से पहले भारत के 5 विकेट गिर गए। दिग्गज पुजारा विराट कोहली, हनुमा विहारी, यहां तक कि शुभमन गिल भी कुछ नहीं कर पाए, श्रेयस अय्यर भी ढेर हो गए और लगने लगा कि 150 रन पर टीम इंडिया पूरी तरह से ऑल आउट हो जाएगी और अंग्रेज बेहद आसानी से इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेंगे। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी था, टर्न बाकी था। 98 रन पर जब पांचवां विकेट भारत का गिरा तो उसके बाद क्रीज पर मौजूद थे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जो धमाल मचाया वो कमाल था और रिकॉर्ड बन गया, सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। पंत ने पहले अपनी आंखें जमाई और फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। मैच के 28वें ओवर में ऋषभ पंत ने एंडरसन को चौका मारकर अपना हाथ खोला और उसके बाद जैक लीच के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया और जैक लीच को ऐसा धोया कि जैक लीच को वहीं पर कप्तान बेन स्टोक्स को स्पेल से हटाना पड़ा। अब हालात ये थे कि जब भी जैक लीच वापस बॉलिंग पर आए तो ऋषभ पंत ने ऐसा ही ताबड़तोड़ खेल दिखाया कि कप्तान बेन स्टोक्स को जैक लीच को बॉलिंग अटैक से हर बार हटाना पड़ा, क्योंकि जैक लीच के अगले स्पेल में आते ही ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ एक ही ओवर में 22 रन ठोक दिए और जैक लीच सिर झुकाकर रोने लगे। जी हां, उनकी आंखें झुकी हुई थी, नम थी, क्योंकि ऋषभ पंत जैसी मार उनको इससे पहले पड़ी नहीं थी। अब कप्तान बेन स्टोक्स ने यहाँ पर युवा तेज गेंदबाज मैट पोटर्स को बॉलिंग दी, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज में हीरो थे और यहाँ भी 2 बड़े विकेट्स निकाल चुके थे, अपनी स्विंग बॉलों से बल्लेबाजों को खासा परेशान कर रहे थे। लेकिन पंत ने तो पोटर्स की भी हवा निकाल दी और ताबड़तोड़ रन ठोक दिए। पोटर्स को लगातार 2 ओवर में 2-2 चौके मारे और पोटर्स की लाइन लेंथ खराब कर दी। बेन स्टोक्स ने पोटर्स को भी हटाना पड़ा। बेन स्टोक्स खुद बॉलिंग पर आए, उनकी भी पिटाई हुई और वहीं पूर्व कप्तान जो रूट को बॉल थमाए तो पंत ने छक्कों की बरसात कर दी। हालात ये थे कि ऋषभ पंत हर गेंदबाज की खबर ले रहे थे, चाहे वो सीनियर गेंदबाज जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड हो या फिर जैक लीच, मैट पोटर्स, बेन स्टोक्स, किसी को भी नहीं बख्शा और टेस्ट मैच में करीब 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन कूट रहे थे। भारत के 250 से 300 रन बनने में सिर्फ 32 बॉल लगी और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में भारत को 300 के पार पहुंचा दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रन की साझेदारी भारत के लिए कर दी थी। अब हालांकि ऋषभ पंत ने अगले ओवर में जो रूट को 1 छक्का मारा और फिर अगली ही बॉल पर दूसरा छक्का मारने के फेर में आउट भी हो गए, लेकिन तब तक ऋषभ पंत अपना काम कर चुके थे। शानदार 146 रन उन्होंने बनाए और वो भी सिर्फ 110 बॉल में, जिसमें 19 चौके लगाए तो वहीं 4 छक्के भी उड़ाए। अब जो भारतीय टीम दिन की शुरुआत में संघर्ष कर रही थी वो पंत की इस पारी के बाद ड्राइविंग सीट पर आ गई और अंग्रेज बैकफुट पर चले गए। पंत ने अंग्रेजों का घमंड पहले दिन चूर चूर कर दिया, अंग्रेज खिलाड़ी घुटनों पर आ गए, ऋषभ पंत ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। भारत के लिए सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले विकेट कीपर का रिकॉर्ड, धोनी का रिकॉर्ड जो था वो ऋषभ पंत ने तोड़ दिया और वहीं भारत के लिए सबसे तेज शतक बनाने वाले विकेट कीपर का रिकॉर्ड भी पंत ने धोनी से अपने नाम कर लिया। यही नहीं, 1 कैलेंडर ईयर के पहले 6 महीनों में 2 शतक लगाने वाले वो पहले भारत के विकेट कीपर भी बन गए। अब ऋषभ पंत के साथ रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन पारी खेली और पहले दिन 83 रन पर नॉट आउट लौटे और पंत का भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर 222 रन की साझेदारी की, जो कि रिकॉर्ड है यहाँ पर। लेकिन जो एंटरटेनमेंट ऋषभ पंत ने दिखाया, जो कमाल पंत ने किया, वो खास था और इसीलिए तो जब पंत का शतक हुआ तो अक्सर शांत रहने वाले, कूल रहने वाले हेड कोच राहुल द्रविड़ तक बाहुबली बन गए और कुछ ऐसे बाहुबली के अंदाज में जश्न मनाया।
तो पंत ने अकेले दम पर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया और अब भारतीय टीम अच्छी बॉलिंग करती है तो बेहद आसानी से अंग्रेजों को हरा देगी, कुचल देगी और तब अंग्रेजों का घमंड पूरी तरह से चकनाचूर होगा, ध्वस्त होगा, जमीन पर आ जाएगा। तो ऋषभ पंत की इस महान पारी पर आपका क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था लेकिन ईशान किशन बेहद जल्दी आउट हो गए, लगने लगा कि अब भारतीय टीम मुश्किल में आ जाएगी, मगर इसके बाद जो हुआ वो कमाल था, धमाल था। दीपक हुडा और संजू सैमसन ने धमाकेदार पारी खेली और दोनों ने भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड साझेदारी कर दी। 176 रन की दोनों की ने पार्टनरशिप की और ये पार्टनरशिप आज तक भारत के लिए कभी नहीं हुई। दीपक हुडा ने शानदार शतक लगाया, 104 रन बनाए और चौके छक्कों की बरसात कर दी। तो वहीं संजू सैमसन ने भी 77 रन की धमाकेदार पारी खेली और भारतीय टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया और कुल मिलाकर टीम इंडिया ने 225 रन बनाए। अब टारगेट बहुत बड़ा था, भारत की जीत पक्की लग रही थी लेकिन अभी तो मैच में ट्विस्ट बाकी था क्योंकि आयरलैंड की बल्लेबाजी बाकी थी। आयरलैंड ने बल्लेबाजी शुरू करते ही धमाका कर दिया। आयरिश बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में 18 रन कूट दिए और इसके बाद हार्दिक पांड्या को भी खूब मार पड़ी, अर्षल पटेल को भी खूब मार पड़ी और अक्षर पटेल को भी यहाँ पर चौके छक्के पड़ते रहे। हर गेंदबाज पर आयरिश बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए, हालांकि बीच बीच में विकेट भी गिरते रहे लेकिन आयरलैंड का रन औसत कभी भी कम नहीं हुआ। आयरलैंड के बल्लेबाज लगातार लंबे शॉट्स मार रहे थे और रन चेज कर रहे थे। हालात ये हो गए कि आखिरी 3 ओवर में 38 रन की जरूरत थी और आयरलैंड की टीम जीत की फेवरेट बन गई थी, जीतने वाली थी वो। तो अगला ओवर भुवी ने कुछ संभाला और सिर्फ 7 रन देकर मैच को भारत की तरफ मोड़ा लेकिन फिर भी आखिरी ओवर में आयरलैंड को जीत के लिए 17 रन बनाने थे। अब यहाँ पर कंडीशन ये था कि मैच बराबरी पर था लेकिन हल्का सा आयरलैंड की तरफ झुका हुआ था क्योंकि बाउंड्री बेहद छोटी थी, रन आसानी से बन रहे थे और सिर्फ 3 अच्छे शॉट्स आयरलैंड की जीत को पक्का कर देते। कप्तान हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर उमरान मलिक को बॉल थमाई और पहली बॉल पर उमरान ने कोई रन नहीं दिया लेकिन अगली बॉल नो बॉल डाल दी जिससे एक बार फिर प्रेशर उमरान मलिक पर आ गया। अब दूसरी लीगल बॉल जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान मलिक ने फेंकी तो उसे आयरिश बल्लेबाज अदायर ने चौका मार दिया और तीसरी बॉल पर भी एक और चौका मार दिया, यानी कि 2 लगातार चौके मार दिए और अब मैच भारत के लिए फंस गया था क्योंकि 9 रन बन चुके थे और अब सिर्फ 8 रन की जरूरत थी, 3 बॉल बैलेंस बची हुई थी। अब उमरान मलिक पर बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि अब एक भी बड़ा शॉट भारत के लिए मैच खत्म कर देता लेकिन ये हुआ नहीं। हुआ क्या वो देखिए, ओवर की 4th बॉल उमरान मलिक ने आउटसाइड ऑफ में जबरदस्त बॉल डाली और इस बॉल पर सिर्फ सिंगल ही हो पाया जबकि ओवर की 5th बॉल भी उमरान ने काफी अच्छी डाली, डॉकरेल के पैरों में डाली 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बॉल आयरिश बल्लेबाज पर भारी पड़ी, एक्स्ट्रा पेस में डॉकरेल फंस गए और सिर्फ 1 ही रन बना पाए। अब बॉल आखिरी थी और आयरलैंड को जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी, यानी कि अब भी आयरलैंड मैच में बना हुआ था लेकिन मैच भारत की तरफ थोड़ा सा झुक गया था लेकिन मैच अभी भी फंसा हुआ था। हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने उमरान मलिक के साथ काफी देर तक बातचीत की और तय किया गया कि अब करना क्या है। अब यहाँ पर बल्लेबाज अदायर यॉर्कर लेंथ की गेंद के लिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि फील्डिंग ही ऐसी सजाई गई थी लेकिन यहाँ पर ब्लफ कर दिया गया, उमरान मलिक ने चौंका दिया और उमरान ने शॉर्ट बॉल डाल दी। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमरान की शॉर्ट बॉल पर सिर्फ 1 ही रन बन पाया और आयरलैंड की टीम जीत से दूर हो गई। जी हाँ, जीत के नजदीक आकर एक तरह से लगभग जीत चुकी आयरलैंड की टीम हार गई और भारतीय टीम मैच जीत गई, 4 रन से मैच भारत के नाम हो गया। हालांकि एक बार तो भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस की भी सांसें अटक गई थी क्योंकि जिस अंदाज में आयरिश बल्लेबाजों ने खेल दिखाया, बल्लेबाजी की वो कमाल की थी और पूरी तरह से जीत के नजदीक पहुंच गए, मगर आखिरी ओवर में उमरान मलिक ने टारगेट को डिफेंड कर लिया और मैच को भारत की झोली में डाल दिया। तो शानदार शतक लगाने वाले दीपक हुडा को मैन ऑफ द मैच चुना गया तो साथ ही साथ दीपक हुडा को ही मैन ऑफ द सीरीज का भी खिताब दिया गया। हुडा ने पहले मैच में भी नॉट आउट 47 रन बनाए थे और हुडा के लिए ये सीरीज कमाल की रही। तो वहीं उमरान मलिक ने भी डेब्यू सीरीज में ही आखिरी ओवर का प्रेशर हैंडल करके दिखा दिया कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो आपका इस सीरीज पर, इस जीत पर, इस आखिरी ओवर पर दीपक हुडा और उमरान मलिक पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।